परमवीर चक्र विजेता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के 9वें परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला सेक्टर में 3000 चीनी सैनिकों के सामने भारत के 120 जवानों को लीड किया था और उन 120 जवानों ने चीन के 1300 से भी ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो चलिए जानते हैं ऐसे परमवीर की शौर्य गाथा। शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बंसार गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना के साथ सेवा की और ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किए गए थे। शैतान सिंह ने जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल में अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। स्कूल में वह एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। 1943 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शैतान सिंह जसवंत कॉलेज गए और वहाँ 1947 में उन्होंने स्नातक किया। 1 अगस्त 1949 को वह एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बलों में शामिल हो गए। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने नागा हिल्स ऑपरेशन तथा 1961 में गोवा के भारत में विलय होने में हिस्सा लिया था। उन्हें 11 जून 1962 को मेजर पद पर पदोन्नत किया गया था। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच असहमति थी। विवादित क्षेत्र में बढ़ते चीनी घुसपैठ का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक नौकरशाह द्वारा प्रस्तावित एक योजना को मंजूरी दी, जिसमें चीनी सीमा के क्षेत्र में कई छोटी छोटी पोस्टों की स्थापना के लिए कहा गया था। नेहरू ने सेना की सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। चीन को भौगोलिक लाभ पहले से प्राप्त था और यह सेना के लिए चिंता का विषय था। अतिरिक्त चीनी हमले के समय कई छोटी छोटी पोस्टों को बनाए रखना भी असंभव था। इस पर नेहरू ने यह मान लिया था कि चीनी हमला नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने युद्ध की शुरुआत कर दी। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तब 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी लद्दाख में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे, जिसकी अगुवाई मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। बता दें कि जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब न तो हमारे जवानों के पास ऐसे हथियार थे जो चीन के सामने टिक सकते थे और नहीं भीषण ठंड से बचने के लिए कपड़े। जब शैतान सिंह को आभास हुआ कि चीन की ओर से बड़ा हमला होने वाला है, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजा और मदद मांगी। तब उन्हें जवाब मिला कि हम अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसी के साथ उनसे कहा गया कि सभी सैनिकों को लेकर चौकी छोड़कर पीछे हट जाए, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने पीछे न हटने का फैसला लिया। वह ये बात बखूबी जानते थे कि वक्त कम और चीन के सैनिक कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में तुरंत उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, हम 120 है, दुश्मनों की संख्या हमसे ज़्यादा हो सकती है, पीछे से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, हो सकता है हमारे पास मौजूद हथियार कम पड़ जाए, हो सकता है हम में से कोई न बचे और हम सब शहीद हो जाए, जो भी अपनी जान बचाना चाहता है वह पीछे हटने के लिए आज़ाद है, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूँगा। शैतान सिंह का मानना था प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद एक रणनीति तैयार की गई। शैतान सिंह ने कहा कि हमारे पास संसाधन कम है और दुश्मनों की संख्या ज़्यादा, ऐसे में कोशिश करें कि एक भी गोली बर्बाद न जाए, हर गोली निशाने पर लगे, इसी के साथ दुश्मनों के मारे जाने पर उनसे बंदूक छीन ली जाए। चीनी सेना यह मान चुकी थी कि भारतीय सेना ने चौकी छोड़ दी होगी, वह ये नहीं जानती थी कि उनका सामना जाबाज मेजर शैतान सिंह और उनके वीरों से है। 18 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के रेजांगला सेक्टर पर हमला कर दिया, जिसमें भारत के पास 120 सैनिक थे, वहीं चीन के पास करीब 3000 सैनिक थे। सुबह के करीब 5 बजे भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोलीबारी शुरू की और कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मन की लाशें बिछ गई। जब कुछ चीनी मारे गए, उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों से कहा था कि यह मत समझना युद्ध का अंत हो गया है, यह तो बस शुरुआत है। थोड़ी देर बाद चीन ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार हमारे जवानों के पास गोलियां भी खत्म होने को आई थी, इसीलिए चीनियों के करीब आने का इंतजार किया गया। जब चीनी सैनिक नजदीक आ गए, तब बैनेट से उन्हें मारने के लिए हमारे जवान उन पर कूदे, पर चीनियों के जैकेट इतने मोटे थे कि बैनेट भी उन्हें नहीं भेद पा रहा था। कंपनी के जवान हरियाणा के रहने वाले थे, वो पहाड़ और ठंड के आदिन तो नहीं थे, लेकिन बेहद तगड़ी कदकाठी के थे। जब बैनेट ने असर नहीं किया, तो हमारे जवानों ने चीनियों को एक एक कर हाथों से मारना शुरू किया। लांस नायक सिंहराम और उनके भाई नायक गुलाब सिंह उसी कंपनी का हिस्सा थे, वह दोनों पहलवान थे। अब युद्धभूमि पर उनका चेहरा चीनियों के लिए काल का चेहरा बन चुका था। वह दो दो चीनियों को एक साथ पकड़कर सर पटक पटक कर मार रहे थे। देश रक्षा का जज्बा जुनून बनकर उनके सर पर सवार हो गया था। अपने सैनिकों की हालत देखकर चीनियों को समझ आ गया था कि रेजांगला आसान नहीं होने वाला। ताकत और संख्या में अधिक होने के बावजूद वह सिर्फ 45 मिनट में पीछे धकेल दिए गए। अब चीन ने रणनीति बदली, सैनिक फिर इकट्ठा हुए और एक बार फिर रेजांगला पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी।
जवाब में जब हमारे सैनिकों ने बमबारी की तो वह गोले हमारे सैनिकों पर ही गिरने लगे, इसीलिए उसे रोक दिया गया। हिंदुस्तानी सैनिकों को केवल अपने जोश का ही सहारा था, क्योंकि रेजांगला पर बंकर भी नहीं थे। मेजर शैतान सिंह अपने जवानों को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ऐसे में उनके हाथ में भी गोली लग चुकी थी। उनकी टुकड़ी का एक एक सैनिक दुश्मन के 10-10 सैनिकों को यमलोक भेज रहा था। इसी बीच मेजर शैतान सिंह को पेट में गोलियां लगी। तब उनके सैनिकों ने उनसे कहा कि आप हेडक्वार्टर चले जाइए और अपना इलाज करवाइए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और लड़ते रहे। शैतान सिंह यह बात अच्छे से जानते थे कि 3000 चीनियों के सामने 120 भारतीय जवान हार जाएंगे। इसके साथ वे जानते थे यदि सभी जवान शहीद हो गए तो भारत के लोग और सरकार यह बात कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर रेजांगला में क्या हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपने दो घायल सैनिकों से कहा कि तुम यहां से तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर जाओ और सीओ साहब को हमारी स्थिति के बारे में बताओ। शैतान सिंह खुद एक बड़े पत्थर के सहारे बैठ गए और अपनी मशीन गन से दुश्मन पर फायर करते रहे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। युद्ध खत्म होने के बाद 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की इस पराक्रमी पलटन में केवल 14 जवान ही जिंदा बचे थे। इनमें से भी 9 गंभीर रूप से घायल थे। भारत के 120 बहादुर जवानों ने चीन के 1300 से भी ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं चीन ने अपने आधिकारिक रिपोर्ट में भी यह कबूल किया था कि 1962 के युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें रेजांगला में हुआ था। युद्ध को खत्म हुए 3 महीने हो गए थे। ऐसे में मेजर शैतान सिंह के शव के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब रेजांगला की बर्फ पिघली और रेडक्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गडरिया अपनी भेड़ चराने के लिए रेजांगला की ओर गया हुआ था। वहीं उसे बड़ी सी चट्टान के पीछे वर्दी जैसा कुछ नजर आया। इसके बाद उसने ये सूचना वहां मौजूद अधिकारियों को दी। गडरिये की खबर के बाद जब सेना वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबके होश उठ गए। एक एक सैनिक उस दिन भी अपनी बंदूक थामे ऐसे बैठे थे जैसे मानो अभी भी लड़ाई चल रही हो। उनमें मेजर शैतान सिंह भी अपनी बंदूक थामे बैठे थे। उनकी उंगली अभी भी ट्रिगर पर थी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो अभी भी युद्ध के लिए तैयार हो। ये तो मालूम नहीं चल पाया कि युद्ध कितनी देर तक चला, पर भारत के जवान अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते बर्फ की आगोश में आ गए। मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह के अदम्य साहस, वीरता और युद्धभूमि में नेतृत्व के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम सलाम करते हैं मेजर शैतान सिंह और सभी वीरों को जो मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।